तो जी भाई साहब, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम संघर्ष करते हुए पहुंच चुके हैं त्रिशूर। त्रिशूर के कुणाकुलम एक जगह है, वहां पर हूं, अपने दोस्त के साथ मिलवाता हूं उससे। लेकिन सबसे पहले हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 डेज अक्रॉस द इंडिया। ये है भाई साफवान। और कहाँ मिले थे हम? वेयर वी मेट? मणिकरण गुरुद्वारा मणिकरण में हम लोग मिले थे। और पीछे आंटी या वीडियो वीडियो हेलो वीडियो। सो आंटी है, इनको दरअसल हिंदी या इंग्लिश थोड़ा समझने में दिक्कत है, लेकिन बहुत अच्छी है आंटी। और भाषा ना समझ आते हुए भी हम लोग सुबह बात कर रहे थे एक दूसरे से। ओ भाई साहब, ये है इनका घर जो कि 112 साल पुराना है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग जा रहे हैं अभी बस स्टैंड की और स्कूटी में, फिर वहाँ से जाएंगे कोची। तो भाई घर देखो, शानदार है, 112 साल पुराना। तो भाई साहब, ये हैं राइस के फील्ड जो कि अभी घास वास उग गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और ऐसा सपना था हमारा बचपन से था भाई, केरला के ऐसे गाँव या फिर टाउन्स में घूमने का। भाई साहब, ये है कोणाकुलम का नया बस स्टैंड और साफवान जी हमें लेके आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कोची। सो हम लोग आए हैं साफवान भाई के कज़न के घर पे, और यहाँ पर हमें मिले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। व्हाट्स योर नेम? अहमद आदि। अहमद आदि। एंड यूर्स? लेस। ईशान। ये प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इनका नाम ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और बहुत ही टॉकेटिव बच्चे हैं। या मतन थरी या ओके पम्पकिन दिस फिश करी एंड दिस वन ओके। और ये हैं हमारे साफवान भाई की कज़न। व्हाट्स योर नेम? मुफीदा। ओके, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। तो भाई साहब यहाँ पर खा रहे हैं खाना। भाई साहब काम हो चुका है ख़त्म, बहुत ज़्यादा टाइम लगा पूरा फोटो शूट करने में और बहुत मेहनत करी इनकी पूरी टीम ने। फिलहाल अब हम निकल रहे हैं। गुरुवायूर के एलिफेंट पार्क में बेसिकली यहाँ पर जो हाथियों को रखा जाता है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि एक गुरुवायूर फेस्टिवल होता है यहाँ पर केरला का। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, लेकिन पूरे विश्व में इसको देखा जाता है टीवी इंटरनेट्स के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, आई थिंक मोर देन 60। तो 60 से भी ज़्यादा हाथियों को यहाँ पर रखा गया है। और भाई साहब जो उनके दांत होते हैं वो उनको यहाँ पर निकाला नहीं जाता है। एक्चुअली हमने देखा है, जैसे नॉर्मल जो हाथी होते हैं जिनको रोड्स पे देखा है हमने, उसके दांत वगैरह निकाल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी ओरिजिनल कंडीशन में उनको रखा गया है। तो ये हाथी भाई साहब बहुत मोटा लग रहा है, मेरे ख्याल से इसके पेट में बच्चा होगा, क्योंकि इतना मोटा तो नहीं होता है आमतौर पर हाथी। ये भाई साहब खा रहे हैं केला। भाई इनका खुराक कितना होता होगा यार, एक दिन में कितना ज़्यादा खा लेते होंगे ना ये। और इनको ऐसे फिर पालना और इनको खिलाना, ये तो बहुत ज़्यादा टफ काम है यार। वहाँ पर एक और खड़े हैं, मस्त मौला है एकदम। हाथी के दांत को मतलब ठीक किया जा रहा था, तो उसकी वीडियो लेने के लिए मना किया गया है, तो हमने भी नहीं लिया उनका वीडियो। तो देखो अब भी जस्ट वीडियो लेते ही समय ये बंद किया, वरना इनको शायद पेट पे खुजली हो रही थी, वो डंडा लेके मतलब वहाँ से ऐसे अपने पेट पे खुजला रहे थे। मतलब क्या दिमाग होता है यार इनका भी। तो भाई साहब
इनका व्यवहार का भी कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दें। और भाई साहब ने उस हाथी के पास से हमें दूर भेजा ताकि आप को कुछ नुकसान मत पहुंचे। यहाँ पर लगभग 60 से भी ज़्यादा एलिफेंट्स हैं जिनको देखभाल किया जाता है। ऐसे नहलाया धुलाया जाता है इनको, ये देखिए कैसे नहलाया धुलाया रहे हैं इनको और शांति से लेटा है भाई साहब। बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है इनको, मतलब नहलाने के लिए भी देख रहे हो 3 लोग लग रहे हैं कम से कम, और पूरा पाइप लगा के नहलाया जा रहा है। भाई साहब हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे एक हाथी के लिए ये चेन तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट भाई साहब बता रहे थे कि अगर बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड है ना, फ्रॉम किड एज इफ़ यू आर कीपिंग देम इन चेन, तो उस समय क्या होता है उनके लिए तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस चेन को, और फिर वैसे ही मानसिकता बन जाती है उनकी जब वो बड़े होते हैं तो। लेकिन बड़े होंगे तो ईजिली तोड़ सकते हैं, बट वो मानसिकता के कारण ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ होता है हमारी सोसाइटी में, अगर बचपन से कोई चीज़ घर करती रहती है मन में तो वो फिर बड़े होते भी हम उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो बच्चों को अगर बचपन से अच्छी शिक्षा दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, तो वो ग्रोथ करेंगे और माइंड उनका संकुचित नहीं रहेगा। तो ये देखिए कि कितना सारा खाना ला के ये लोग रखते हैं एक हाथी के आहार को पूरा करने के लिए, उस साइड भी ला के रखा हुआ है। तो मतलब रोज़ ट्रकों में भर के आसपास और दूर दराज दोनों जगहों से ये आता है, और बहुत ही शांत वातावरण है यार यहाँ। आप क्या सोचते हैं ये बताइए, क्या ऐसे रखना उचित है अनुचित है, जो भी है, लेकिन यहाँ की संस्कृति है तो उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। आप अपने विचार कमेंट्स में रख सकते हैं। तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि ये खुला है कि नहीं, ये वाला जो बिल्डिंग है ये लगभग 200 साल पुराना है, और कुछ कुछ रखा हुआ बता रहे थे अपने साफवान भाई। तो ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में, तो शायद कोविड की वजह से बंद है। और वो पीछे जो हाथी है मस्त मौला, सबसे मोटा वाला हाथी वही है जो पीछे देखे हमने, ये वाला पीछे, ये वाला, ये वाला वही नाम नंदन। ओ नंदन, ओके। एक दिन का प्रोग्राम को 1,00,000 2,00,000 चाहिए। कितना? एक दिन का प्रोग्राम को 1,00,000 2,00,000 चाहिए। ओके, निखिल वाड़ का अंतर मणि है ऐसे। ओके, देखिए पूरा देखती है पूरा, हाँ इधर पूरा 44 हाथी है। मेरा नाम मोहन, मेरे हाथी का नाम गजेंद्र। गजेंद्र, ओके। सो हर हाथी का अलग नाम है और हर हाथी का अलग ओनर? एक हाथी का एक एक नाम है। नहीं, अलग ओनर भी है? अलग नहीं नहीं, एक एक हाथी का अलग अलग नाम है। वो प्रोग्राम के जाएगा तो नाम पूरा ओनर करता है। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था जैसे एक एक हाथी को अलग अलग पर्सन ट्रेनिंग देते होंगे ना? नहीं, एक एक हाथी के तीन आदमी लोग काम करने वाले हैं। ओके, एक हाथी के तीन आदमी लोग काम करने वाले हैं। ओके, पीपल वर्कर्स वाला। ओके, तलाता पीपल, तलाता मालूम? तलाता नो, तलाता हिंदी अरबी ले, तलाता मून हिंदी ले वहद। तो भाई साहब ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, एशिया का सबसे बड़ा हाथी है ये बोल रहे हैं, और इसका नाम है नंदन। तो ये जो महावत हैं इन्होंने बताया इनके हाथी का नाम है गजेंद्र, और एक हाथी को टेक केयर करने के लिए लगभग 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। What happened? Ah, okay. Yeah. Hey, क्या था ये? मजा आ गया। ये मजा आ रहा है। भाई फुल मजे आ रहे हैं, फुल मजे। देख पीछे भाई अपना जंप करने वाला है तरिया में। हम इसको छत्तीसगढ़ी में तरिया बोलते हैं, हिंदी में तालाब, इंग्लिश में पॉन्ड। व्हाट यू कॉल इन मलयाली? कोलम। तो भाई साहब कोलम बोलते हैं इसको, और कोलम में साफवान जंप करने वाले जंप।
बच्चे आ रहे भाई सब भाई साहब लाखों रुपए देखिए लोग कुछ कुछ करवाते हैं कितनी पेडीक्योर करवाते हैं मॉल्स में 300 रुपये देते और यहाँ पर हो रहा है नेचुरली बाइक को ना बहुत जोर से फटका लगा है बहुत जोर से बता नहीं रहा भाई अपना तो अभी अपन जंप करने वाले हैं पता नहीं कैसा रिकॉर्ड होने वाला है दोनों भाइयों के बीच में तापवान एंड आशीष दोनों के बीच में रेस हो रही है देखते हैं कौन पहले आता है कम ऑन 1 2 3 स्टार्ट तो भाई साहब दोनों में रेस लगी हुई है और साफ़न आशी साफ़न आशी साफ़न आशी साफ़न आशी साफ़न जीत गए और आशी भाई उधर अभी भी पीछे मजा और हम लोग चेयर कर रहे थे ठीक मजा आ गया भाई एक और भाई है हमारे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ओके ओके तो भाई साहब ने कल बहुत सारी बातें करी और हम लोग घूमने गए थे एक और दोस्त है हमारे वो स्विमिंग कर रहे हैं अभी बोल रहे थे आई डोंट नो स्विमिंग बट नाउ ही स्टार्टेड तो भाई साहब ऐसा तालाब है व्हाट्स योर नेम तो भाई साहब का नाम हाशिद है और मजा आ रहा है यार इन लोगों के साथ बस जगह में स्विमिंग करके मतलब इतने दिन की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और इस टाइप के पॉन्ड में स्विमिंग करना मतलब दिल्ली ख्वाहिश थी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बहुत ज़्यादा एंजॉय करा बहुत सारे फ्लिप्स वगैरह मारे मैंने नहीं मारे भाई ने मारे और मैंने जस्ट स्विमिंग करा और ऊपर से जंप मार मार के एक दो वीडियोस जैसा भी अंडर वाटर शॉट्स आपको आपने जो देखी वो भी बताइए कैसी लगी चलिए फिलहाल तो निकलते हैं यहाँ से शाम का वक्त हो चला है और हम आए हैं बीच पर सब किसी कमर्शियल बीच पर जाना बिल्कुल अलग बात होती है और हम लोग आए हैं इस बार एक नॉर्मल से बीच में और भाई साहब लोग पतंग उड़ा रहे हैं ऊपर और बीच यार बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब भले सफाई नहीं है क्योंकि समुद्र का कचरा बार बार आता होगा बट ना वाइब्स देयर आर सो ऑसम भैया अभी पतंग उड़ा रहे हैं शाम की रोशनी अब धूमिल सी होने लगी है कैमरा में सब धुंधला सा पिछले दो दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं और खतरनाक वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर एक कम्युनिटी है एक पिंकी एक क्लब इट्स अ क्लब ना सो इन लोग की बैचलर्स वाली क्लब है और यहाँ पर आज पार्टी है पार्टी हो रही है तो यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं कैरम और बहुत मतलब सभी एज ग्रुप के लगभग हैं सबसे ज़्यादा है अपने लौंडे तो कैरम खेला जा रहा है भाई साहब यहाँ पर तो भाई साहब आज इनके क्लब में किसी की बैचलर पार्टी है वो बैचलर पार्टी है जिस भाई की बैचलर पार्टी है मतलब जिसका खाना खाने वाले हैं आज उसको मिल ही नहीं पाएंगे तो ऐसा ही होता है बात नहीं अच्छा माहौल खतरनाक है भाई लोग पूरे ये अपने भाई लोग हैं ये मतलब पूरे मोहल्ले वी आर रॉकिंग या
तो बैचलर पार्टी हो रही है और मतलब पूरे मोहल्ले का ग्रुप है, लॉन्डो का ग्रुप है और इनका ये क्लब है। तो आज पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है भाई। भाई ये लौंडा क्या क्या बांट रहा है, व्हाट इज दिस? खिचड़ी सलाद। और अभी इधर ना पता नहीं आपको कैसा रिएक्ट करोगे, लेकिन बी ट्रिप का पार्टी होने वाला है। तो भाई ज़्यादा नेगेटिव मत लेना, क्योंकि यहाँ का कल्चर है, यहाँ यही सब खाया जाता है। और बस पार्टी हो रही है। ओके ओके सबसे ज़्यादा भूख लगी है, सबसे पहले इनको दिया जा रहा है, देख लो। लौंडा बहुत ज़्यादा मेहनती है, मतलब सब काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रही है। तो अभी करते हैं बंद और सीधा टूट पड़ते हैं खाने पे। तो भाई साहब आज यहाँ पर नारियल गिराए गए हैं, जैसा कि हमने आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज अगर देखी होंगी पुराने समय में, तो आज हमने नारियल पानी पिया था और पूरा आज इस नारियल को कलेक्ट भी करने वाले हैं। ये आदमी मेरे को बोलता है नारियल उठा, तूने नारियल पानी पिया। देखा जाएगा, बदला लिया जाएगा इसका। आंटी हंस रही है भाई, वीडियो बना रहे हैं तो। अरे आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। ये इनका घर बड़ा सुंदर है यार, एक घर है ये है 112 साल पुराना ये नारियल, और वहाँ पर हमें कलेक्ट करना है। चलो भाई करते हैं। सो भाई इन पेड़ों से गिराया गया है नारियल को सुबह सुबह, और जो अंकल आए थे वो लोग एक नारियल पेड़ से नारियल गिराने का 50-50 रुपए लेते हैं, और अगर आपके पास जितने ज़्यादा नारियल पेड़ हैं उतने ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उठा के ये ऐसा फेंक रहा हूँ कुछ कुछ को स्लोली स्लोली, और बाद में इसको कलेक्ट कर लेंगे। पसीने निकल गए, नारियल इतना सारा कलेक्ट हो गया, अभी उधर पीछे भी है, तो अच्छा खासा आज कसरत हो रहा है हमारा। मज़ा आ रहा है यार, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उधर ट्रॉली लेके गया है और ट्रॉली से कलेक्ट कर रहा है। मैं तो उठा उठा के दो तीन लेके वहाँ पर डंप कर रहा हूँ। देख रहे हो इसकी हरकतें, आदमी को ही मार देगा। भाई जान पे उतारू आ गया भाई, ये जान लेने को उतारू हो गया आदमी। गाड़ी कलेक्ट कर लिए। हाउ मच दिस? आई डोंट नो। तो भाई साहब को भी नहीं पता, 7-8 गाड़ी से तो ज़्यादा ही किए, उधर क्वांटिटी दिखाएंगे आपको। तो हमारे नारियल कलेक्शन संघ का यूनियन लीडर आ रहा है एक ट्रॉली भर के। मजा आ गया, पसीना भी निकल गया। तो हर शाम कुछ नया लेके आ रही है। आज हम लोग आए हैं एक चर्च में जिसका यहाँ पर बर्थडे मान के चल रहे, मतलब कुछ बोलते हैं ये लोग, और यहाँ पर आए हैं ये विजिट करने। तो ये अपने क्लब के सभी मेंबर्स हैं और इनके साथ आए हम लोग इस चर्च। व्हाट्स दिस फेस्टिवल कॉल्ड? पल्ली परनाल। एक्चुअली इट्स अ बर्थडे ऑफ दिस चर्च, वी कैन से। या नॉट दैट काइंड। सो ओके ओके। भाई साहब यहाँ पर कुछ खरीदी चल रही है, क्या क्या ले रहे हो भैया? तो ये इसको पहनते ही सांड बन जाते हैं लोग। तो भैया <भाई
हिंदी याद रहे भाई, पूरा पोपट हो गया, ये उड़ ही नहीं रहा यार। तो भाई साहब बहुत ही ट्रेंड है पूरा, मतलब उछाल के कुछ भी खा लेते हैं, ऊपर से 20-30 मीटर ऊपर भी उछाल के खा लेते हैं। घूम लिया मेला, छोटा सा मेला ही था समझ लो हमारे लिए, और बस निकल रहे हैं क्लब की ओर। सब हम आए हैं यहाँ पर, और पता नहीं लौंडे क्या क्या खिलाने वाले हैं, केरला को कुछ स्पेशल होगा। तो चलिए खाते हैं फिर, आज का व्लॉग जो है यहाँ पर एंड करेंगे खाते खाते। तो ये आ चुका है खाना, और स्टार्ट भी कर दिया इन भाई लोगों ने, ये भी है। भाई साहब ये क्या क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।